बेटा क्लास 12th में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम जेनेटिक्स है। ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं इसे, बहुत ही संभल के पढ़ना है आपको। तो जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, हमारे पास जो करेक्टर्स हैं, जो हमारे पास ट्रेट्स हैं, वो हमारे कहाँ से आते हैं, पेरेंट्स से आता है। तो जो पेरेंट्स से करेक्टर माँ बाप पे ट्रांसफर होते हैं, उन करेक्टर्स की स्टडी, जो ट्रांसफर होने की प्रक्रिया है, उस जो ट्रांसफर होने की प्रक्रिया है, उस ट्रांसफर होने की प्रक्रिया की स्टडी जो हम लोग करते हैं, करेक्टर्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं उनकी स्टडी जो करते हैं, उस ब्रांच की, बायो की उस ब्रांच को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। तो आइए देखा जाए जेनेटिक्स की डिफिनेशन अगर लिखा जाए तो ये देखिए, कलेक्टिव स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, कलेक्टिव स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये देखिए बायो की एक ब्रांच है, इस ब्रांच में हम दो चीजों की स्टडी करते हैं। ये देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, एक तो आप इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं और दूसरी वेरिएशन की स्टडी करते हैं। तो बायो की एक ऐसी ब्रांच है ये जेनेटिक्स, जिसमें आप इस दुनिया में जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं माँ बाप से, उसकी स्टडी करते हैं, और वेरिएशन एक ही जात के लोगों में जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। ये जेनेटिक्स है, एक बायो की ब्रांच है जिसमें हम सारी चीजों की जानकारी करते हैं। तो अब इन दोनों, इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द है जिसे हम लोग वेरिएशन कह रहे हैं और एक शब्द है जिसे इनहेरिटेंस कह रहे हैं। तो दोनों का मीनिंग क्या हुआ, क्योंकि इस ब्रांच में दोनों की स्टडी करते हैं, तो दोनों की मीनिंग निकाली जाए। तो सबसे पहले आप इनहेरिटेंस देखें, इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं। तो ये देखिए, स्टेट ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स या ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स, ये देखिए ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से उनके बच्चों में जो करेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, उन करेक्टर्स की स्टडी जो होती है, ऑफस्प्रिंग माने संतानें होती हैं, तो जो ट्रांसफर करेक्टर होते हैं हम लोग जो है कहते हैं कि उस प्रक्रिया को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस माने हमें जो हम लोगों के माँ बाप से, हम लोगों को अपने माँ बाप से करेक्टर मिले हैं, उनके ट्रांसफर होने की जो इस प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। वेरिएशन देखिए क्या है, अगर आप वेरिएशन देख रहे हैं तो वेरिएशन एक अलग टर्म है, इसका मतलब ये हुआ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज हैज सम डिफरेंसेस, सेम स्पीसीज हैज सम डिफरेंसेस कॉल्ड वेरिएशन। ये देखिए, तो एक ही जात के ढेर सारे सदस्य हैं, हम ही ह्यूमन को देख लीजिए तो सब एक स्पीसीज के हैं, लेकिन हम लोगों में वेरिएशन है, हम लोग एक जैसे नहीं हैं, कुछ न कुछ डिफरेंस है। इवन आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं उनमें भी डिफरेंस आ जाता है। तो एक ही जात के सदस्यों के बीच में इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज है सम डिफरेंसेस, वो जो सम डिफरेंसेस है, वो जो डिफरेंसेस है, उसी डिफरेंसेस को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। अगर हम लोग जेनेटिक्स के हिस्ट्री के बारे में देखें तो देखिए, सबसे पहले एक नाम आता है इस बायो की इस ब्रांच में, सबसे पहले नाम आता है, ये देखिए डब्ल्यू वेटसन का नाम आता है, ये देखिए सबसे पहले नाम आता है डब्ल्यू वेटसन का। इन्हें हम लोग फर्स्ट क्वाइंड द टर्म जेनेटिक्स, ये देखिए जेनेटिक्स टर्म की सबसे पहले जेनेटिक्स को देने वाले डब्ल्यू वेटसन है, इन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म को दिया। ये देखिए इनका नाम आप जानते होंगे, ये नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका आपने नाम सुना होगा, क्लास 10th में थोड़ी सी स्टडी आपने की है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये दूसरा नाम है जिन्हें हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ये देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ये
ये दूसरा नाम है जिन्हें हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. डब्ल्यू वेटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म को एक्सप्लेन किया था. ग्रेगर चर्न मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. इसके सिवा आप और नाम देखें, यहाँ पे कुछ और नाम है जिन्हें आपको सीखना है. ये देखिए, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है टी एच मॉर्गन नाम है इनका. इन्हें हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं. इन्होंने जो काम किया था, ही वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर. इन्होंने जो काम किया था, ये इस इंसेक्ट पे काम किया था जिसका पूरा नाम है ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर. अगर आपने कभी इसका नाम सुना होगा इस इंसेक्ट का, तो इसका कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई है. ये देखिए, इसका कॉमन नेम क्या है? फ्रूट फ्लाई है. टी एच मॉर्गन ने फर्स्ट क्वाइंड द टर्म. ये देखिए क्या सेक्स लिंकेज. सबसे पहले इन्होंने सेक्स लिंकेज टर्म का इस्तेमाल किया. इन्होंने सबसे पहले लिंकेज शब्द का इस्तेमाल किया. ये देखिए, जेनेटिक मैप ऑफ ड्रोसोफिला. ये देखिए, इन्होंने जेनेटिक मैप ऑफ ड्रोसोफिला भी बनाया. ये देखिए, तो टी एच मॉर्गन का बड़ा नाम है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं. ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर पे इन्होंने काम किया था, जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं. और फर्स्ट कॉइंड टर्म सेक्स लिंकेज. इन्होंने जेनेटिक मैप बनाया था किसका? ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर का. एक नाम और है, इनका नाम गैरोड है. ये देखिए, ये गैरोड है. इन्हें हम लोग फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मेटाबोलिक जेनेटिक्स. मेटाबोलिक जेनेटिक्स मतलब यह हुआ कि जिसपे मेटाबोलिज्म पे इन्होंने काम किया था, मेटाबोलिक जेनेटिक्स पे काम किया था. ही फर्स्ट डिस्कवर्ड मेटाबोलिक डिसऑर्डर. आपको याद रखना है, पहला मेटाबोलिक डिसऑर्डर जो ह्यूमन में खोजा गया था, इस डिसऑर्डर का नाम मैं लिख देता हूं, इसका नाम एल्कैप्टोन्यूरिया है. ये देखिए, इसे हमें सबसे पहले खोजा था. पहला जो मेटाबोलिक डिसऑर्डर ह्यूमन में खोजा गया, उसका नाम एल्कैप्टोन्यूरिया है, जिसे इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था. एल्कैप्टोन्यूरिया को इन्होंने सबसे पहले वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबोलिक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट दिया था. ये है गैरोड की बात. तो इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन एंड मेटाबोलिक जेनेटिक्स कहा जाता है. सबसे पहले इन्होंने पहला मेटाबोलिक डिसऑर्डर ह्यूमन में खोजा, जिस डिसऑर्डर का नाम एल्कैप्टोन्यूरिया है. और देखिए, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था वन म्यूटेंट जीन और वन मेटाबोलिक ब्लॉक. ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले गैरोड ने दिया. तो नाम आप देखें, वेटसन ने सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म को क्वाइन किया. ग्रेगर चॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. इन्हें टी एच मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है. गैरोड को फादर ऑफ ह्यूमन एंड मेटाबोलिक जेनेटिक्स कहा जाता है. उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था पहला जेनेटिक मेटाबोलिक डिसऑर्डर, जिस डिसऑर्डर का नाम एल्कैप्टोन्यूरिया है. तो आपका एक काम यही बन गया, अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन में पहला मेटाबोलिक डिसऑर्डर कौन सा खोजा गया, तो फट से जवाब देंगे कि इस डिसऑर्डर का नाम एल्कैप्टोन्यूरिया है. आइए देखा जाए आगे. ये देखिए, ये जो वेटसन है, इन्हें हम लोग वेटसन को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं. ये देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं. मतलब अगर आपसे कोई पूछे
कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, तो आप फट से जवाब देंगे कि साहब ये जो है वेटसन है ये। तो अब ये सारे नाम हो गए जेनेटिक्स की हिस्ट्री से रिलेटेड, अलग अलग साइंटिस्टों के नाम है जिन्होंने इस पे काम किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखेंगे जिसका बार बार इस्तेमाल होता है। एनसीईआरटी ने इसको एक्सप्लेन भी किया है, तो हम चाहते हैं ये सारी टर्मिनोलॉजी आप भी सीख जाएं। आइए मैं आपको एक एक टर्मिनोलॉजी पढ़ाता हूं और उसकी मीनिंग बताता हूं। ये देखिए, अगर आप टर्मिनोलॉजी सीखना चाहते हैं, ये देखिए मैंने यहां हेडिंग में डाल दी है कि आपको ये बात कोई दिक्कत ना हो, ये टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आपको स्टडी करनी है। ये देखिए, तो इसमें सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो वेरिएशन है। ये तो वेरिएशन मैंने भी बताया, इस दुनिया में वेरिएशन का एकमात्र कारण है, दो कारण है, एक क्रॉसिंग ओवर है और दूसरा म्यूटेशन है, इसी कारण वेरिएशन है। तो अगर आप वेरिएशन देखें, एक ही जात के मेंबर में दो तरह के वेरिएशन होते हैं। अगर आप पहला वेरिएशन देखते हैं तो ये है सोमैटोजेनिक वेरिएशन। ये देखिए सोमैटोजेनिक वेरिएशन, सोमैटोजेनिक वेरिएशन जो होता है ये होता है सोमेटिक सेल्स में। किसी के सोमेटिक सेल्स में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है एक ही जात के अलग अलग मेंबर्स में, तो इसे सोमेटिक वेरिएशन कहते हैं या सोमेटिक जीनिक वेरिएशन कहते हैं। ये नॉन इनहेरिटेबल है। नॉन इनहेरिटेबल मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी सोमेटिक वेरिएशन है ये अगली पीढ़ी में या अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसका दूसरा जो पार्ट है, जो दूसरा है, ये देखिए इसे हम लोग जर्मिनल कहते हैं या इसे हम लोग ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन कहते हैं। जर्मिनल कहते हैं या इसे हम लोग ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन कहते हैं, ये इसका दूसरा टाइप है। ये देखिए ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ट्रांसफर फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर, ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। मतलब आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर ये इनहेरिटेबल है। इनहेरिटेबल माने पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ये जनरेशन, ये जो वेरिएशन है ये ट्रांसफर होगा। मतलब जो सोमेटिक सेल में चेंजेस आएंगे, जो वेरिएशन आएगा वो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन जो जर्म सेल में आता है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। इसके फर्दर अगर आप टाइप देखते हैं तो दो टाइप मेनली हो गए। देखें, एक होता है पहला, इसका जो टाइप होता है, जो पहला टाइप होता है इसे हम लोग कहते हैं कंटीन्यूअस वेरिएशन। ये देखिए कंटीन्यूअस वेरिएशन, ये पहला टाइप हो गया कंटीन्यूअस वेरिएशन। दूसरा जो टाइप हो गया इसे हम लोग कहते हैं डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। ये डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन, ये इसके दो टाइप हो गए। तो कंटिन्यूस वेरिएशन कब होगा, कोई भी वेरिएशन कंटिन्यूस कब होगा, उसका क्या कारण हो सकता है? अगर आप उसका रीजन लिखना चाहते हैं तो आप लिखें, यहां पर रीजन लिखें ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ये लिखे क्रॉसिंग ओवर कब होती है, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के पैकेटिंग स्टेज में। तो अगर मियोसिस हो रही है, क्रॉसिंग ओवर लगातार हो रही है, तो वेरिएशन कंटिन्यूस होगा। लेकिन ड्यू टू म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन के कारण वेरिएशन आ रहा है तो ये डिसकंटिन्यूस होगा। ये देखिए, तो ये वेरिएशन के दो टाइप हो गए, एक सोमेटोजेनिक और दूसरा जर्मिनल। सोमेटोजेनिक नॉन इनहेरिटेबल है, अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक जो है वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो मैंने लिख दिया कि ये इनहेरिटेबल है। अगली बात, ये पहला आपके यहां टर्मिनोलॉजी थी वेरिएशन। दूसरी बात है जिसे हम लोग फैक्टर कहते हैं। ये देखिए, ये दूसरी टर्मिनोलॉजी है जिसे हम लोग फैक्टर कहते हैं। फैक्टर कहते हैं, तो फैक्टर माने क्या हुआ, ये देखिए अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे सर यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर and responsible for appearance of characters, responsible for appearance of characters। ये देखिए आप,
रिस्पॉन्सिबल फॉर अपियरेंस ऑफ करेक्टर। ये बात आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी कि ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। अगर यूनिट ऑफ हेरिडिटी लिया है तो एक्चुअली ये जीन की तरफ आपको ले जा रहा है। ये जो फैक्टर है इसे बाद में जीन बोला गया। अगर आप देखें तो इसे आगे चल के इसी को जीन टर्म दिया गया। ये देखिए जीन, इसे कहा गया टर्म वाज क्वाइंड बाय ये देखिए जॉनसन। एक साइंटिस्ट जिनका नाम जॉनसन है, इन्होंने 1909 में इसी फैक्टर को जीन कहा। तो जीन क्या है? जीन तो आप समझते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, और एक जो करेक्टर्स है हम लोगों में उसे एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारी बॉडी में करेक्टर्स है उन्हें जो एक्सप्रेस करता है उसे हम लोग जीन कहते हैं। इसे आपको पता होगा कि ह्यूमन में जीन की जो संख्या है, ह्यूमन में अगर देखा जाए इनके नंबर्स जो है 30,000 है। 30,000 जीन्स ह्यूमन में पाए जाते हैं जो अलग अलग करेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम ये कहना चाहते हैं आपसे। तो पहला फैक्टर हो गया। दूसरा देखिए, एक दूसरा शब्द है जिसे हम लोग एलील कहते हैं। एलील, एलील की मीनिंग क्या हुई आपको समझना है। तो अब आप इसका मीनिंग समझें कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन प्रेजेंट ऑन सेम पोजीशन माने जगह। इस पोजीशन को इस लैंग्वेज में जेनेटिक्स की भाषा में लोकाई कहते हैं, ऑन होमोलागस क्रोमोसोम। ये देखिए ऑन होमोलागस क्रोमोसोम। एक ही जीन के जब अल्टरनेटिव फॉर्म दिखाई पड़ते हैं, जैसे एक मोबाइल है उसके अलग अलग फॉर्म आपको दिखाई पड़ते हैं, तो उस मोबाइल के वो क्या हो गए? एलील हो गए। ये देखिए एलील क्या है? ये जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है जो अलग अलग क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के। जैसे एक एग्जांपल देख ले, मान ले ये क्रोमोसोम का एक सेट है, यहां पर कैपिटल टी है, यहां पर भी कैपिटल टी है। ये पहली तरीका हो गया। ये देखिए ये पहला हो गया, लोकेशन सेम होनी चाहिए जहां पर जीन्स पाए जाते हैं उसे सेम लोकेशन वाला। दूसरा देखिए, ये कंडीशन है, यहां पर ये क्रोमोसोम है, ये दूसरी कंडीशन है। अगर आप यहां देखें तो यह कैपिटल टी है, यहां स्मॉल टी है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन अगर आप देखें ये, तो ये क्रोमोसोम है जिन्हें हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। इन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ये देखें, ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है। तीनों कंडीशंस में आप देखें तीनों क्रोमोसोम्स होमोलॉगस हैं और इनमें जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म हैं। यहां पर कैपिटल टी, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां स्मॉल टी है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एलील जो शब्द है इसे क्वाइंड बाई वेटसन, इसे वेटसन ने ही इसे एक्सप्लेन किया था। क्वाइंड बाई वेटसन, एक साइंटिस्ट जो वेटसन है, उन्होंने सबसे पहले एलील शब्द का इस्तेमाल किया था और एलील की मीनिंग बहुत ही परफेक्ट बताया कि किसी भी जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म जो सेम पोजीशन पे है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के, उस अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग एलील कहते हैं। एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म जो सेम पोजीशन पे है क्रोमोसोम के, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ध्यान रखें, होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब जिनके सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड्स की आर, लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम, लोकेशन ऑफ जीन सब एक जैसे होते हैं, उन्हें होमोलॉगस क्रोमोसोम कहा जाता है। जब आप मियोसिस पढ़ते हैं तो वहां पर होमोलॉगस क्रोमोसोम में आप क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में अगर जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म पाए जा रहे हैं सेम पोजीशन पे, जीन्स के सेम लोकेशन पे पाए जा रहे हैं एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म, तो इस अल्टरनेटिव फॉर्म जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग एलील कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। तो आपको एक टर्म याद करना है फैक्टर, दूसरा टर्म याद करना है एलील, और ये तीसरे टर्म की बात करते हैं।
आइए देखा जाए होमोजाइगस एक टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए होमो माने सेम होता है, जाइगस माने जाइगोट्स मतलब है, मतलब इसकी मीनिंग हुई कि जब किसी एक जाइगोट का फॉर्मेशन, किसी जाइगोट का फॉर्मेशन दो एक ही आइडेंटिकल एलील से हो जाता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन किससे होता है? गैमेट के फ्यूजन से होता है, और वो जो दोनों गैमेट हैं जिनसे गैमेट जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है उन गैमेट्स में आइडेंटिकल एलील होना चाहिए। कैसा एलील होना चाहिए? आइडेंटिकल एलील होना चाहिए। डिफिनेशन क्या होगी आप देखें, देखिए व्हेन ए जाइगोट इज फॉर्मड बाय when a zygote is formed by gamete having identical allele, ये देखिए आप having identical allele then zygote is called heterozygote, then zygote is called heterozygote. उस जाइगोट को हम लोग हेट्रोजाइगोट कहेंगे जिसका फॉर्मेशन सेम एलील से हो रहा है एंड कंडीशन इज हेट्रोजाइगस. ये देखिए अगर आप इसका मीनिंग निकालना चाहें क्या मतलब हुआ इसका, आप समझे इस बात को, जैसे मैंने अगर ये लिखा एग्जांपल आप देखें ध्यान से देखें लेटर्स को, ये कैपिटल टी है ये कैपिटल टी है, तो इस कैपिटल टी माने आप क्या समझ रहे हैं, दोनों कैपिटल लेटर में है, दोनों सेम लेटर में है, दोनों सेम एलील है, तो अगर ये भाई कोई भी जाइगोट बनेगा तो दो ही गैमेट्स बनेगा, तो ये जो सेम लेटर अगर लिखे जाएंगे तो ये सब होमोजाइगस होंगे। ये देखिए ये सब होमोजाइगस है, ये जितने भी लेटर सेम लेटर लिखे जा रहे हैं ये सब होमोजाइगस है, क्योंकि इनमें लेटर ही रिपीट हो रहा है। तो ये जो इन्हें ये जो आप जाइगोट देख रहे हैं इन सारे जाइगोट्स में कॉमन क्या है, इसमें देखिए कैपिटल टी है, इसमें स्मॉल टी है, इसमें स्मॉल आर है, इसमें कैपिटल आर है, जो चीज आप करें रिपीट करके बोल रहे हैं। तो अगर कोई जाइगोट सेम एलील से जिसका फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह के जाइगोट को हम लोग हेट्रोजाइगोट कहते हैं और कंडीशन को हेट्रोजाइगस कहते हैं। जैसे ये देखिए एक गैमेट ये हो गया, ये देखिए आप एक गैमेट ये हो गया, मान लेते हैं ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, तो दोनों गैमेट हैं इनके पास जो एलील है सेम है, और ये मेल फीमेल गैमेट जब आपस में जुड़ेंगे तो ये जाइगोट बनेगा। तो इस जाइगोट में जो एलील है वो सेम है या डिफरेंट है, आप खुद ही कर रहे हैं कैपिटल टी ये स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर जो भी आप कर रहे हैं उसको बार बार रिपीट करके बोल रहे हैं। तो अगर किसी जाइगोट का फॉर्मेशन गैमेट से हो, दो डिफरेंट गैमेट से हो लेकिन उनके एलील सेम हो, गैमेट तो डिफरेंट होंगे भाई, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, और उनके जो एलील है वो सेम हो, तो इस तरह के जाइगोट को हम लोग हेट्रोजाइगोट कहते हैं और कंडीशन को हेट्रोजाइगस कहते हैं। दूसरा जो ग्रुप है अगर आप इसे देखें, इसका यहां देख रहे हैं इसका होमोजाइगस का उल्टा एक और दूसरा है जिसे हम लोग हेट्रोजाइगस कहते हैं। ये देखिए आप हेट्रोजाइगस, तो फर्क क्या होगा देखिए, अगर आप इसका लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जाइगोट इज फॉर्मड बाय गैमेट having non identical allele. ये देखिए non identical allele. इस तरह से अगर किसी जाइगोट का फॉर्मेशन हो जिसमें एलील सेम नहीं है डिफरेंट है, उस तरह के जाइगोट को हम लोग हेट्रोजाइगोट कहेंगे और कंडीशन को हेट्रोजाइगस कहेंगे। एग्जांपल आप देखिए शायद ज्यादा क्लियर होगा, ये एग्जांपल देखिए आपने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों सेम नहीं, आप खुद ही करें कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, तो आप लेटर सेम है या डिफरेंट है, आप कहेंगे लेटर सेम नहीं है डिफरेंट सर, तो लेटर अगर डिफरेंट है तो ये हेट्रोजाइगस है। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर,
ये देखें और भी कोई नाम ले सकते हैं कैपिटल, ये देखें कैपिटल ए आई ए और आई बी, ये देखें आई ए आई डॉट, ये ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। तो सेम लेटर है या डिफरेंट लेटर है? सेम लेटर नहीं है, डिफरेंट लेटर है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल ए आई ए आई बी, ये अलग अलग है। हेटरोजाइगस कहते हैं, ये जायगोट हैं जो अलग अलग गैमेट से बन रहे हैं, मेल फीमेल गैमेट से, लेकिन वो जो गैमेट्स हैं उनके पास जो एलील हैं वो अनआइडेंटिकल हैं, इसलिए इस तरह के जायगोट को हम लोग हेटरोजाइगोट कहेंगे और कंडीशन को हम लोग हेटरोजाइगस कहते हैं। हेट्रो माने डिफरेंट और जाइगस माने जायगोट में, एक ही जायगोट में जब दो अनआइडेंटिकल एलील होते हैं तो इस तरह के जायगोट को हम लोग हेटरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। तीसरी एक कंडीशन और है जिसे हम लोग हेमीजाइगस कहते हैं, ये देखिए हेमी माने हाफ, हेमीजाइगस कहते हैं। देखिए व्हेन एनी इंडिविजुअल कंटेन्स वन जीन ऑफ ए पेयर। एग्जाम्पल देखिए, हम सारे लोग हेमीजाइगस हैं, एक एक्स है तो दूसरा वाई है। क्रोमोसोम देख लीजिए, ये होमोलागस क्रोमोसोम नहीं है, अगर आप इसे एक्स मान रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये देखिए, ये होमोलागस ना होके क्या है, अनहोमोलागस क्रोमोसोम है, नॉन होमोलागस क्रोमोसोम है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, कंटेन्स वन जीन ऑफ ए पेयर। आप एक बार देखें, मेल जो होता है, ज्यादातर जो मेल होता है उसका जो सेक्स लिंकेज है उसकी बात जो होती है ज्यादातर वो हेमीजाइगस होती है। तो आपको ये सब समझने हैं, होमोजाइगस माने एक जाइगोट में सेम एलील है, हेटरोजाइगस माने एक जाइगोट में दो अनआइडेंटिकल एलील है, और हेमीजाइगस माने व्हेन एनी इंडिविजुअल कंटेन्स वन जीन ऑफ ए पेयर देन दिस इज कॉल्ड हेमीजाइगस। हम लोग देखिए फीमेल्स में अगर आप देखिए तो एक्स एक्स दोनों सेम क्रोमोसोम है, लेकिन मेल में देखिए तो एक क्रोमोसोम एक्स है, दूसरा क्रोमोसोम वाई है। अगर आपको याद होगा तो वाई क्रोमोसोम पे जितने भी जीन होते हैं उन जीन को हम लोग फोलेंट्रिक जीन्स कहते हैं, वाई क्रोमोसोम में पड़े हुए जीन्स को हम लोग फोलेंट्रिक जीन्स कहते हैं। और अगर आपको पता होगा तो वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन्स पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 231 है, 231 है, सबसे मिनिमम जीन्स पाए जाते हैं। अब सोचो कि जो वाई पे क्रोमोसोम जीन है वो एक्स पे तो नहीं होंगे, तो वन जीन ऑफ ए पेयर ही तो हुआ भाई, तो वन जीन ऑफ ए पेयर पर इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेमीजाइगस कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है फिनोटाइप है। अगर आप इसकी डिफिनेशन देखें तो फिनोटाइप की डिफिनेशन हुई, ये देखिए एक्सटर्नल, ये देखिए आप एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये फिनोटाइप की डिफिनेशन है। ये देखिए, मतलब अगर आपने किसी भी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को एक्सप्लेन किया है जेनेटिक्स में, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस क्या है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस माने क्या हुआ, जैसे आपने कहा कि पौधा टाल है, तो टाल मतलब क्या बता रहा है, पौधा टाल मतलब ये बता रहा है कि पौधा लंबा है, तो ये क्या है, लंबा वो चीज है जिसे आप देख पा रहे हैं, तो कैसा अपीयरेंस हुआ। अगर आप किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं कि मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच की है, 5 फीट की समाट है, तो मतलब आप मुझे देख रहे हैं लंबाई है इनकी, तो जो मुझे आप देख रहे हैं टाल हो गया। किसी व्यक्ति को आपने देखा उसका नाम आपने छोटू रख दिया, ड्वार्फ लिखा, तो ये जो टाल लिखा, ड्वार्फ लिखा, रेड लिखा, ग्रीन लिखा, ये सारे जो करेक्टर्स हैं किसी भी पर्टिकुलर करेक्टर जो हैं जिनको हम लोग मॉर्फोलॉजिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं,
इन सारे कैरेक्टर्स को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप हमेशा रिटन मैटर में लिखा जाता है, मतलब अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। टाल हो गया, ड्वार्फ हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ये देखिए राउंड हो गया, आपने कोई बात कही राउंड है, रिंकल्ड है, तो ये जो आप शब्द लिख रहे हैं इसका मतलब आप उसे देख के लिख रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मार्कर कैसा, ये जो चौक है कैसी, आप कहेंगे सर ये ग्रीन कलर की है, या जिस भी मान लीजिए ये ग्रीन कलर की है, ये मान लीजिए चौक है, ये ग्रीन कलर की चौक है, ये सॉरी येलो कलर की चौक है, तो येलो कलर जो आप देख रहे हैं, जो इसका येलो कलर है, ये इसकी फिनोटाइप है। लेकिन इसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, वो इसका फिनोटाइप है। तो फर्क क्या है जो आपको दिख रहा है, जैसे ये किस कलर का दिख रहा है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ रेड कलर का दिख रहा है, ये इसका फिनोटाइप है। लेकिन इसका जो जेनेटिक मेकअप है, जिसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसका जीनोटाइप होता है। तो ये पहला बात होता है जिसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, अल्फाबेटिक लिखते हैं, रेड टाल, ड्वार्फ, रेड, ग्रीन, राउंड, जो भी आप लिखते हैं सब फिनोटाइप है। लेकिन अगर आप देखें दूसरा टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं, तो जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ आप समझे? जीनोटाइप मतलब ये हुआ, देखिए टोटल इसकी डिफिनेशन समझ लें आप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या इसी बात को कह सकते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इट्स कॉल्ड जीनोटाइप। ये देखिए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप जब किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तब हम इसे जीनोटाइप कहते हैं। अगर आप इसका लिखना चाहते हैं, जैसे जीनोटाइप हमेशा रिटन किया जाता है, जैसे आपने लिखा ये देखिए कैपिटल टी, तो ये जीनोटाइप है। इसका मतलब क्या हुआ? ये टाल प्लांट है। अगर आपने स्मॉल लिखा तो ये हेटरोजाइगस टॉल है, टाल तो है ही। अगर आपने स्मॉल लिखा तो ये ड्वार्फ है। अगर आपने ये लिखा तो ये ए ब्लड ग्रुप है, आपने ये लिखा तो ये बी ब्लड ग्रुप है, अगर आपने ये लिखा तो ये ओ ब्लड ग्रुप है। तो ये जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका जेनेटिक मेकअप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। लेकिन अगर आप इसे टाल लिखें, इसे टाल लिखें, इसे ड्वार्फ लिखें, इसे ए लिखें, इसे बी लिखें, उसे ओ लिखें, तो ये इसका फिनोटाइप होता है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में मेजर डिफरेंस कुछ नहीं है, ये मॉर्फोलॉजिकली एक्सप्रेस होता है और ये जेनेटिकली जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जिसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अब आपको जनरेशन लिखना पड़ती है, जिसे आपने कहीं लिखा F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन मतलब क्या हुआ? F1 जनरेशन, तो यहाँ F1 माने क्या होता है? F1 जो है लैटिन टर्म के फिलियम टर्म से आया है। ये देखिए फिलियम माने होता है ऑफ स्प्रिंग, क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग। तो F1 अगर आपने लिखा तो इसका मतलब वो फर्स्ट जनरेशन माने हिंदी में सामान्य भाषा में कहते हैं कि पहली पीढ़ी में, या अगर आप उसको बात सीखने तो ऐसा सीख सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन मतलब हुआ, ये देखें मेंडल ने ऐसे वो किया था, ये कैसा प्लांट था? ये टाल प्लांट था। ये कैसा प्लांट था? ये ड्वार्फ प्लांट था। तो अब आप यहीं पर चाहें तो जीनोटाइप फिनोटाइप समझ लें। ये जो आपने लिखा है ये ऊपर वाला ये जीनोटाइप है, नीचे जो टाल और ड्वार्फ लिखा ये फिनोटाइप है। ये देखिए इससे गैमेट एक तरह का आइडेंटिकल गैमेट बनेगा, इससे ये गैमेट बनेगा और इससे फिर ये जायगोट बनेगा। तो ये बताइए ये जायगोट है, ये जायगोट बनेगा, बाद में ये नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, इसे हम लोग F1 ऑफस्प्रिंग कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं। तो बताइए ये जायगोट आइडेंटिकल एलील से बना या अनआइडेंटिकल एलील से बना, तो ये हेटरोजाइगस है। कैसा है? हेटरोजाइगस है। ये गैमीट है, ये यहां पर देखें गैमीट है, आप ये बात सीखें, ये इसका गैमीट है और ये क्या है? पेरेंट्स है। तो अब अगर आप पूरी बात समझें तो ये दोनों पेरेंट्स हैं, मेल फीमेल हैं, इनसे ये गैमीट्स बन रहे हैं और ये जायगोट बन रहा है जिसमें अनआइडेंटिकल एलील है। ये पहली जनरेशन है। यहाँ F1 का मतलब हुआ, मैंने बताया F1 का मतलब फिलियम टर्म से आया है, फिलियम माने होता है जनरेशन होता है। एक चीज और आप और देखें, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो
तो ये देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या हुआ, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब ये हुआ, देखिए स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट सेम टाइम। ये देखिए जब एक ही करेक्टर की इनहेरिटेंस की हम स्टडी करते हैं तो इसे हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे आपने लिखा यहां पर ये कैपिटल ये टाल प्लांट है, तो ये टाल प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है। अब आपने जो ये टाल और ड्वार्फ लिखा है ये क्या है, अगर टाल और ड्वार्फ की बात किया जाए तो ये साइज ऑफ प्लांट है, तो साइज ऑफ प्लांट है तो प्लांट की साइज दो हो सकती है, या तो साइज इस प्लांट की टाल होगी या इस प्लांट की साइज ड्वार्फ होगी। तो आपने कौन से करेक्टर को किस स्टडी किस करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, साइज ऑफ प्लांट की जो साइज ऑफ प्लांट का जो करेक्टर है उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो जब स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर की स्टडी करते हैं तब इस स्टडी को ये देखिए ये कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी हो गया, फिर ये देखिए पहली जनरेशन है, ये सारे टाल प्लांट्स होते हैं लेकिन ये हेटरोजाइगस होता है अगर आप देखें तो। तो जब आप एक करेक्टर की या एक जीन की एक करेक्टर की सेम टाइम में इनहेरिटेंस देखते हैं इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, लेकिन दूसरा क्रॉस अगर आप देखें तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या हुआ कि एक ही क्रॉस में दो करेक्टर को देखा जाता है, चाहे आप ऐसे लिख लें स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू करेक्टर्स। ये देखिए जब एक साथ ही हम दो करेक्टर्स की इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं तो इसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस माने एक ही साथ दो करेक्टर की जब इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है तब हम उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और एक ही टाइम में जब एक करेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है तो उसे हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे अगर मैं यहां लिख रहा हूं कि देखो भाई ये रेड है, ये येलो है, ये देखिए, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखिए तो एक करेक्टर ये वाला हो गया और दूसरा करेक्टर ये वाला हो गया। यहां देखिए इसे स्मॉल वाई कर दे, तो इस समय आप कितने करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, इस समय आप एक्चुअली दो करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, एक करेक्टर ये है और दूसरा करेक्टर ये है। जब दो करेक्टर की स्टडी एक समय में इनहेरिटेंस उसकी देखी जाती है तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, एक ही करेक्टर की इनहेरिटेंस देखी जाती है तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कान यहाँ खुला है या बंद है, इसी एक करेक्टर की इनहेरिटेंस देखी जाएगी तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, लेकिन कान की साइज और नाक की साइज दो व्यक्तियों में दो करेक्टर को कंपेयर करके देखा जाएगा तो इसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस, मतलब नंबर ऑफ करेक्टर्स बढ़ते जाते हैं, उनकी इनहेरिटेंस बढ़ती जाती है, उनके नाम बढ़ते जाते हैं। ये है कॉन्सेप्ट जिससे आपको सीखना है। ये देखिए बैक क्रॉस मैंने लिखा है, बैक क्रॉस को अगर आपको डिफाइन करना है तो इसका पहले डिफिनेशन लिख दें, या फोन का क्रॉस जब इधर ऑफ द पेरेंट्स करा दे, चाहे वो डोमिनेंट से करा दे और चाहे रिसेसिव करा दे। इधर ऑफ पेरेंट्स मतलब चाहे मेल से कराएं, चाहे डोमिनेंट करेक्टर पेरेंट से कराएं और चाहे रिसेसिव पेरेंट से कराएं। जैसे अगर आपको इसको बात समझना, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात ले दी है कि F1 हाइब्रिड का क्रॉस इधर ऑफ पेरेंट से कराएं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं मेंडल ने जब क्रॉस किया था तो ये क्या था, ये एक पेरेंट था, दूसरा ये पेरेंट था, ये दोनों क्या थे, अगर आपसे पूछो तो आप कहेंगे सर ये दोनों इसके पेरेंट थे। ये पेरेंट कैसा था, ये पौधा पेरेंट टाल था। ये पेरेंट कैसा था, ये ड्वार्फ था। मटर के दो पौधे हैं, एक लंबी ऊंचाई का है, एक छोटा साइज का है। सीधी बहुत सिंपल सी बात है, मटर का पौधा है, एक बड़ी साइज का है, एक छोटी साइज का है। अब इस मटर के पौधे से कौन सा गैमेट बनेगा, इससे गैमेट बनेगा कैपिटल टी, इसपे गैमेट बनेगा स्मॉल टी। लिख दीजिए सर ये गैमेट है, देखिए ये क्या है, गैमेट है। अब इन दोनों गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा, आपने लिखा सर ये जायगोट बनेगा, ये बताइए कौन सा बनेगा, जायगोट। अगर मैं आपसे ये जायगोट कैसा होगा तो आप कहेंगे सर ये टाल होगा। फर्क ये है कि ये दोनों होमोजाइगस हैं, ये हेटरोजाइगस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हेटरोजाइगस होगा। तो अब बताइए अगर एक संतान एक माँ बाप में एक आदमी लंबा है एक आदमी छोटा है, उसकी पहली जनरेशन सारी लंबी हो रही है
तो बताइए ये डोमिनेंट है या ये डोमिनेंट है, जो दिख रहा है वही डोमिनेंट है। तो टॉल क्या है अगर आप समझें, तो टॉल जो है इस केस में डोमिनेंट है और ये क्या है रिसेसिव है। रिसेसिव माने जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो रिसेसिव है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या कॉन्सेप्ट है ये भाई, यहां कौन सा दिखा, जो डोमिनेंट है वो दिखा टॉल और जो नहीं दिख पाया वो रिसेसिव है। लेकिन अगर आप इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस इन दोनों पेरेंट में किसी से भी करा दें, जैसे क्या कंडीशन हो सकती है, पहली कंडीशन ये हो सकती है, कंडीशंस आप देख लें कि F1 हाइब्रिड कौन है। F1 हाइब्रिड में अगर आप देखें तो F1 हाइब्रिड है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक चांस ये है कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस इससे करा दें। लेकिन दूसरी चांस ये भी है कि ये F1 हाइब्रिड है, इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा दें। मतलब F1 हाइब्रिड ये है, ये कैसा पेरेंट है, ये डोमिनेंट है। ये F1 हाइब्रिड है, ये पेरेंट कैसा है, रिसेसिव है। तो चाहे आप जिस पेरेंट से करा दें, वहां लिखा है इधर ऑफ द पेरेंट्स, अगर आप उसे क्रॉस करा देते हैं तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं। मतलब इस F1 पेरेंट से चाहे आप डोमिनेंट से क्रॉस कराएं और चाहे रिसेसिव से क्रॉस कराएं, इस तरह के क्रॉस को हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। दूसरा देखिए, इसका ये पहला टाइप हो गया क्रॉस का। दूसरा अगर आप क्रॉस देखते हैं तो इसका जो दूसरा क्रॉस है उसे हम लोग आउट क्रॉस कहते हैं। ये टर्म है जो आपको सीखने हैं, आउट क्रॉस है। आउट क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि F1 हाइब्रिड का क्रॉस, F1 हाइब्रिड का क्रॉस केवल डोमिनेंट पेरेंट से करा दे। F1 हाइब्रिड का क्रॉस केवल डोमिनेंट पेरेंट से करा दे। ये देखिए तो F1 हाइब्रिड कौन है इस केस में, अगर देखा जाए तो F1 हाइब्रिड जोन है वो कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और डोमिनेंट पेरेंट कौन है, कैपिटल टी है। अगर आपने ये क्रॉस करा दिया, मतलब इसका क्रॉस केवल इससे करा दिया, F1 का क्रॉस केवल आपने टॉल से करा दिया, डोमिनेंट पेरेंट से करा दिया, तो इस तरह के क्रॉस को आउट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं। इसके सिवा और भी दो तरह के क्रॉस हैं जिन्हें आपको सीखना है। एक क्रॉस है जिसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ये देखें टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब समझिए, टेस्ट क्रॉस का बहुत आसान सा मीनिंग है कि F1 हाइब्रिड का क्रॉस, F1 हाइब्रिड का क्रॉस हम लोग रिसेसिव करेक्टर से करा देते हैं, रिसेसिव पेरेंट से करा देते हैं। ये देखिए ये तो F1 हाइब्रिड कौन है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका रिसेसिव पेरेंट कौन है, ये है रिसेसिव पेरेंट, ये है। अगर ये इसका क्रॉस कराएं तो मिलेगा क्या, अच्छा ये पौधा कैसा दिख रहा है, आपको भी टाल दिख रहा है, तो हम इसे टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं ये समझे। ये टाल प्लांट है, हेटेरोजाइगस है, और ये प्लांट कैसा है, ड्वार्फ प्लांट है, ये ड्वार्फ पेरेंट है। अगर आप समझे ये ड्वार्फ पेरेंट है, तो ड्वार्फ पेरेंट से मतलब रिसेसिव पेरेंट से जब F1 हाइब्रिड की क्रॉस कराते हैं तो जो F1 हाइब्रिड में छिपा हुआ करेक्टर वो दिखाई देने लगता है। जैसे अगर आपने ये क्रॉस कराया, ये देखिए ऐसे आप क्रॉस करा सकते हैं, ये पुनेट का स्क्वायर मेथड होता है जिसको आपको सीखना है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे बना देते हैं हम लोग। एक पेरेंट मान लेते हैं, यहाँ पर ये मेल है, ये फीमेल है, यहाँ पर इससे मान लिया कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंट है और ये पेरेंट ये है, तो इससे दोनों गैमेट जो होंगे आइडेंटिकल होंगे, इससे एक गैमेट कैपिटल टी बनेगा, एक गैमेट स्मॉल टी बनेगा। तो आप देखें ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, टाल हेटेरोजाइगस है, बोलिए पौधा तो टाल है लेकिन हेटेरोजाइगस है। यहाँ देखिए ये पौधा कैसा है, ये भी टाल है, हेटेरोजाइगस है, लेकिन ये दो पौधे देखिए होमोजाइगस है, ड्वार्फ है। तो दो इसमें टाल होंगे, आप देखें दो इसमें टाल हेटेरोजाइगस होंगे, दो टाल कौन से होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दो होंगे ड्वार्फ होमोजाइगस होंगे, दो ड्वार्फ होमोजाइगस होंगे। ये देखिए तो इसमें जो छिपा हुआ कैरेक्टर वो दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। टेस्ट क्रॉस मतलब टेस्ट दे दे, जो छिपे हुए कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर देता है उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एक क्रॉस और होता है जिसे हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। ये देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने जब क्रॉस कराया इसमें क्या है, पेरेंट्स की पोजीशंस को चेंज कर देते हैं, पेरेंट्स की जो पोजीशंस हैं उनको हम लोग चेंज कर देते हैं, ये समझने के लिए कि मेल फीमेल का इफेक्ट अलग अलग तो नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने पहला क्रॉस कराया, ये टाल प्लांट था, ये ड्वार्फ प्लांट था, मान लीजिए इसे आपने मेल माना और इसे आपने फीमेल माना, इससे क्या बनेगा, कैपिटल टी, इससे क्या बनेगा, स्मॉल टी, और प्लांट क्या आएगा, F1 जनरेशन,
पौधा टाल आएगा। हम लोगों ने कहा कि अगर आप इसकी मदर को, पेरेंट्स को चेंज कर दें, पहले में आपने मेल किसे माना है टाल को, दूसरे में फीमेल किसे, फीमेल किसे माना ड्वार्फ को, यह चेंज कर देते हैं, लोकेशन बदल देते हैं मेल फीमेल की, जिसे आपने टाल माना है, सॉरी मेल माना है, उसे आप फीमेल मान लीजिए। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसे पहले क्या माना है मेल, अब इसे आपने क्या मान लिया फीमेल, और फिर जिसे आपने मेल माना है, जिसे फीमेल माना है, उसे आप मेल कर, और फिर क्रॉस करा के देखें क्या इनके ऑफ स्प्रिंग्स पर या एफ1 जनरेशन में कोई चेंज आता है। कह दीजिए बिल्कुल नहीं आता है। ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी सेम है, ये भी पौधा टाल है, हेटरोजाइगस है। तो जब पेरेंट्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, जिसे रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, तो क्रॉस टोटल हो गया बैक क्रॉस। बैक क्रॉस माने एफ1 का इधर आप पेरेंट से क्रॉस करा दे, आउट क्रॉस जब एफ1 का डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करा दे, टेस्ट क्रॉस जब एफ1 हाइब्रिड का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दे, और रेसिप्रोकल क्रॉस जब एफ1 जो पेरेंट्स हैं उनकी पोजीशंस को चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से क्रॉस को हम लोग जो है कहते हैं कि वो रेसिप्रोकल क्रॉस है। तो डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट करेक्टर वो है जो एफ1 हाइब्रिड में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। रिसेसिव करेक्टर कौन सा है? जो एफ1 हाइब्रिड में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जो हिडन है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं तो आप डोमिनेंट नहीं, आप रिसेसिव हैं, और अगर आपने अपने आप को प्रकट कर दिया तो आप क्या है? डोमिनेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट है जीन्स की, ये जेनेटिक्स की कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैंने आपको सिखाया, फिर हम लोग आगे देखते हैं।